आडियो नौ संस्कृति बनाती है संस्कारवान। जिनमें संस्कृति की समझ है वह संस्कारवान होने की डगर पर पांव रखते हैं। संस्कृति शब्द के अर्थ व्यापक हैं। यह जीवन को शुद्धि या परिष्कार की प्रक्रिया है। व्यक्तित्व को संवारने गढ़ने व तराशने का कीमती कीमिया है। चिंतन चरित्र व व्यवहार शरीर प्राण व अंतश्चेतना की अव्यवस्था अस्त व्यस्तता व अस्वच्छता को दूर करने का प्रयास व्यक्ति को संस्कारवान बनाता है। इसे व्यक्तित्व में दुष्प्रवृत्ति उन्मूलन एवं सत्प्रवृत्ति संवर्धन का महाअभियान भी कहा जा सकता है। संस्कृति व संस्कार के आपसी संबंधों की गहरी समझ आज के युवा में विरले युवा ही रखते हैं, अन्यथा ज़्यादातर तो इन्हें नृत्य गीतों की शैलियों का पर्याय मान लेते हैं। ऐसे भ्रम के कारण सांस्कृतिक कार्यक्रमों के नाम पर कुछ इस तरह के कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं जिनका संस्कृति व संस्कार से दूर का रिश्ता नहीं होता। इन सांस्कृतिक आयोजनों का चलन युवाओं में कुछ ज़्यादा ही है। जहाँ कहीं ऐसे आयोजन होते हैं उनमें युवा बड़े उत्साह के साथ भागीदारी होते हैं, लेकिन दुख की बात यह है कि इस भागीदारी में इन्हें संस्कृति व संस्कार का कोई सार्थक परिचय नहीं मिलता। उल्टे कभी कभी तो ऐसे कार्यक्रमों व आयोजनों में शीलता शिष्टता एवं शालीनता की सामान्य समझ भी उपेक्षित हो जाती है। बस फूहड़पन के कुछ नमूने ही उभर कर सामने आते हैं। समझ में नहीं आता इन्हें किस तरह अपनी संस्कृति से जोड़े। यह स्थिति दुखद होते हुए भी जमाने का यथार्थ है। युवाओं में पनप रहे भ्रांति भ्रम का परिचायक है। समय की संधि से इस युग को संस्कृति संगम का युग बना दिया है। सूचना व संचार की युग क्रांति ने दुनिया के विभिन्न देशों की मान्यताओं विचारों परंपराओं एवं प्रचलनों को आमने सामने ला दिया है। जिस तेजी से दुनिया और उसके लोग पास आए हैं उससे संस्कृतियों के बीच टकराहट व भ्रम की स्थिति बढ़ी है। सैमुअल हटिंगन ने अपनी विख्यात पुस्तक द क्लैशेस ऑफ सिविलाइजेशन में आज के संकट को संस्कृतियों व सभ्यताओं के टकराव का संकट माना है। चयन की आज़ादी बढ़ जाने से युवा अपनी प्रकृति के विपरीत सांस्कृतिक प्रक्रियाओं का चयन कर रहे हैं। इस भ्रम को दूर करना आज के युवा वर्ग की चुनौती है और कर्तव्य भी। सवाल किसी संस्कृति की निंदा का नहीं परंतु परस्पर संवाद की स्थापना का है। आज सांस्कृतिक विसंगतियाँ कितनी भी क्यों न पनप रही हों पर इसमें यह सार्थकता भी है कि बड़ी समझदारी से सभी संस्कृतियों के सार्थक तत्वों का चयन कर उन्हें किसी आधारभूत सांस्कृतिक सूत्र में पिरोकर विश्व संस्कृति की स्थापना की जा सकती है। शायद यही कल के विश्व का सांस्कृतिक भविष्य भी है। तकनीकी विशेषज्ञ निशांत इस संबंध में कुछ प्रेरक कर भी रहे हैं। इन्होंने देश विदेश के कुछ युवाओं के साथ मिलकर विश्व संस्कृति संगम नाम का एक समूह बनाया। इस समूह का काम विश्व की विविध संस्कृतियों के तत्वों का चयन कर उनमें समन्वय करना है। निशांत का कहना है कि अपनी गहरी पृष्ठभूमि में विश्व की प्रायः सभी संस्कृतियां किसी न किसी तरह भारतीय संस्कृति के मूल स्रोत से निकली हैं, इसलिए भारतीय संस्कृति इनके बीच आधारभूत समन्वय की भूमिका निभा सकती है। निशांत सार्थक सांस्कृतिक संवाद के लिए बौद्धिक एवं कलात्मक दोनों की प्रक्रियाओं को अनिवार्य मानते हैं और ऐसा कर भी रहे हैं। उनका और उनके साथियों का मानना है कि युवाओं में बेहतर व सार्थक सांस्कृतिक समझ का होना अनिवार्य है। विश्व संस्कृति संगम की युवा कर्मी अंशिता का मानना है कि जो भी प्रक्रिया युवाओं के जीवन का उत्थान उनके चरित्र का निर्माण एवं व्यक्तित्व का परिष्कार करे वही संस्कृति है। उसके विपरीत जो भी है और जहाँ भी है उसे विकृति ही कहा जाएगा, फिर भले ही वह किसी भी देश से क्यों ना आयातित हो। अंशिता के अनुसार युवाओं को संस्कृति एवं संस्कार की प्रक्रिया को गहराई से अपनाना चाहिए। अच्छा हो कि इसमें उनकी सक्रिय भागीदारी हो। अपना विचार क्रांति अभियान सही मायने में संस्कृति एवं संस्कारों का ही अभियान है। देश के युवाओं के सक्रियता के लिए यह प्रभावकारी मंच है। युवा इससे जुड़कर न केवल संस्कृति की सही समझ पाकर संस्कारवान बन सकते हैं बल्कि अपने सामाजिक दायित्व भी निभा सकते हैं। होगी अवश्य होगी क्रांति। सामाजिक दायित्वों को निभाने में युवाओं की अग्रणी भूमिका है। आज के दौर में परंपराओं के परिवर्तन के लिए युवा विवेक चाहिए। प्रथा प्रचलनों की फिर से पड़ताल होनी जरूरी है। अंधमान्यताओं मूढ़ताओं एवं कुरीतियों के कुचक्र को युवा साहस ही तोड़ सकता है। समाज में ऐसी कई विकृतियां हैं जिनके विषाणु इंसानी अस्तित्व को नष्ट करने पर तुले हैं।
ना जाने कितनी जातियां, वर्ग एवं क्षेत्र सामाजिक मूढ़ताओं के कारण पिछड़ेपन के पंख में फंसे हैं। उन्हें अभी तक नए ज्ञान का कोई प्रकाश नहीं मिल सका है। इस आलोक के अवतरण को युवा पुरुषार्थ ही संभव बना सकता है। एक बार साहस भरे कदम उठे तो संभावनाएं स्वयं साकार होने लगेंगी। बस जरूरत शुरुआत करने की है, फिर तो असंख्य अनुगामी चल पड़ेंगे और सार्थक सामाजिक परिवर्तन नजर आने लगेगा। पंजाब प्रांत के नवयुवक राजेंद्र सिंह ने ऐसी ही अनोखी शुरुआत स्वयं से की। दहेज लेने और खर्चीली शादी की परंपरा को उन्होंने आगे बढ़कर स्वयं तोड़ा। घर वाले और सगे संबंधी उनके इस कदम के सख्त खिलाफ थे। ससुराल पक्ष के लोगों को उनके इरादे में अपनी तौहीन नजर आ रही थी, पर राजेंद्र सिंह का मन मजबूत था। उन्होंने अपनी होने वाली पत्नी सोनल से बात की, उसे अपने उद्देश्य एवं आदर्श समझाए। युवा सोनल को उनकी बातें समझ में आईं। राजेंद्र सिंह का मत स्पष्ट था, न तो दहेज ना ही खर्चीली शादी। ससुराल पक्ष का कहना था कि नगद रकम ना सही, पर आवश्यकता का सामान या फिर स्त्री धन के रूप में थोड़ा बहुत ही स्वीकार करना चाहिए, पर राजेंद्र सिंह को दहेज ऐसा कोई प्रच्छन्न रूप स्वीकार ना था। साथ ही उन्हें ये मंजूर ना था कि विवाह बारात के ताम झाम के नाम पर हजारों लाखों फूके जाएं। सो बस अपने सात मित्रों के साथ उन्होंने साइकिल के से वधु पक्ष के घर जाने का निश्चय किया। इस अनूठी बारात को देखकर लोग काफी हैरान हुए, पर राजेंद्र सिंह ने गुरु ग्रंथ साहब की साक्षी में अपने विवाह की रस्में पूरी की। भोजन आदि की व्यवस्था भी उन्होंने साधारण ही करवाई। उनका यह विवाह सभी अर्थों में आदर्श और प्रेरक रहा। अनेक पत्रिकाओं ने इसे प्रकाशित करते हुए लिखा, जहां जनसेवा का स्वांग रचाने वाले मंत्री एवं नेता अपने बेटे बेटियों की शादी में करोड़ों फूंक डालते हैं, वहीं राजेंद्र सिंह की शादी और सादगी के समन्वय ने समाज में जन प्रेरणा का काम किया। लोग सोचने के लिए मजबूर हुए कि वाकई खर्चीली शादियां मनुष्य को दरिद्र एवं बेईमान बनाती है। उत्तर प्रदेश की 20 वर्षीय अरुणा के साहस ने उपस्थित सभी जनों को तब हैरान कर दिया जब विवाह मंडप छोड़ते हुए यह साफ जता दिया कि वह किसी भी कीमत पर दहेज के लोभियों से शादी नहीं करेगी। उसके इस कदम से मायके वाले हैरान थे और बारात लेकर आए हुए दूल्हा और बाराती भौचक, पर अरुणा के इरादे दृढ़ थे। उसे स्पष्ट कर दिया, नहीं का मतलब नहीं, मैं दहेज की प्रक्रिया एवं परंपरा को किसी भी तरह स्वीकार नहीं कर सकती। बारात को वापस उल्टे पाँव लौट कर आना पड़ा। अरुणा फिर से अपनी पढ़ाई में लग गई। आज वह MSc एवं BEd करके शिक्षिका है। शिष्टशालीन एवं दृढ़ संकल्पवान इस लड़की के घर वालों को अपनी बेटी पर गर्व है। वह कहते हैं, शुरू में तो थोड़ी परेशानी हुई थी, पर आज मेरी बेटी की सब जगह प्रशंसा होती है। उसकी शादी के लिए कई योग्य रिश्ते भी आ रहे हैं। ईश्वर की कृपा होगी तो बहुत जल्दी ही मेरी बेटी का घर बस जाएगा, वह भी आदर्श रीति नीति से। सामाजिक परिवर्तन के लिए काम करने वाली संस्था दिशा के कार्यकर्ता केशवानंद तिवारी अपने युवा साथियों के साथ कई उल्लेखनीय कार्य कर रहे हैं। इनकी पत्नी जानवी का कहना है कि प्रारंभिक दिनों में मुझे अपने पति से कई शिकायतें थीं, परंतु बाद में जब मैंने इनके काम को देखा तो बस इन्हीं की डगर पर चल पड़ी। सामाजिक बदलाव के बहुपक्षीय कार्य में संलग्न दिशा में जानवी को कई तरह के सामाजिक कार्यों को जानने समझने का अवसर मिला, जहां उन्हें महिलाओं के स्वयं सहायता समूह बनाने और रचनात्मक सांस्कृतिक कार्यक्रमों के सुंदर अवसर प्राप्त हुए। लेकिन समय समय पर कई खतरे भी सामने आते रहे। ये कहती हैं कि जब इन्होंने पठेड़ गांव में एक शराब के ठेके को हटाने का आंदोलन शुरू किया तो उन्हें उनके छोटे छोटे बच्चों को अगवा किए जाने की धमकियां मिली, लेकिन इसकी परवाह किए बिना ये अपने साथियों के साथ सामाजिक दायित्व को निभा रही हैं। पर्वतीय इलाके के युवा भी अपनी सामाजिक रूढ़ियों से जूझने का उल्लेखनीय संघर्ष कर रहे हैं। राकेश देवराड़ी, कृष्ण कुमार सेमवाल, अनिल रावत, ममता पुरोहित, सरिता नेगी, शमा, उनके अनेक युवा साथियों ने उत्तरांचल के पर्वतीय इलाकों में दुष्प्रवृत्ति उन्मूलन एवं सत्प्रवृत्ति संवर्धन की बयार बहानी शुरू की है। उनका कहना है कि प्राचीन समय में समाज को सुव्यवस्थित रखने के लिए, इसे ढंग से चलाने के लिए कई तरह की प्रथाएं व व्यवस्थाएं बनी थीं, लेकिन कालांतर में इन प्रचलित प्रथाओं परंपराओं का रूप विकृत हो गया। इस विकृति का निवारण होना ही चाहिए। इनमें से ममता पुरोहित कहती हैं कि पहाड़ों में दहेज प्रथा, भ्रूण हत्या, कारा प्रथा एवं ऐसी कई और कुरीतियां
प्रचलित है जिनको मिटाने के लिए हम लोग संघर्ष कर रहे हैं, हमें इसमें सफलताएं भी मिल रही हैं। महिला संगठन जननी ने युवा महिलाओं की अगुवाई में नर और नारी एक समान के सूत्र की सार्थकता सिद्ध करने वाली कुछ महत्वपूर्ण परियोजनाएं शुरू की हैं। ऐसी ही एक परियोजना जिसकी शुरुआत 2003 में हुई है, इसका नाम है लिबर्टी प्रोजेक्ट। इसकी प्रोजेक्ट मैनेजर भावना चावला युवा महिला कार्यकर्ता है। इनका कहना है कि गांव, कस्बों और शहरों में कई समाज सेवी संस्थाएं महिला उत्थान के लिए काम कर रही हैं। इनके द्वारा महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए गांव में पापड़ अचार बनाने और कस्बे महानगरों में ब्यूटिशियन या कोर्स या सिलाई कढ़ाई जैसे काम सिखाए जाते हैं। पर हम लिबर्टी प्रोजेक्ट के द्वारा कुछ नया कर रहे हैं। इसके अंतर्गत है पौरोहित्य कर्म, जिसमें अंतिम संस्कार कराना भी सिखाया जाता है। हमारा मानना है कि जब जीवन का प्रारंभ जननी से होता है तो अंत जननी से क्यों नहीं। इस प्रोजेक्ट द्वारा प्रशिक्षित महिलाएं अंतिम संस्कार कराने में निष्णात है। वे बड़े इत्मीनान और स्वाभिमान के साथ अंतिम संस्कार के साथ अन्य कर्म संपन्न करा रही हैं। उनका यह कार्य समाज में एक नए परिवर्तन का संदेश और संकेत है। परंतु संख्या भी कम है। भारत जैसे विशाल देश और बड़ी आबादी तथा अनगिनत रीति नीति प्रथा परंपराओं वाले समाज के अनुरूप सामाजिक दायित्व को निभाने वाले युवाओं की संख्या काफ़ी अधिक होनी चाहिए। अपना विचार क्रांति अभियान पिछली अर्ध शताब्दी से भी अधिक समय पहले से युवाओं को इस कार्य के लिए आवाज़ देता रहा है। आज भी इसके आह्वान के स्वर भारत की धरती में ध्वनित है। युवा इसे सुने और आगे बढ़ें। उनके पराक्रमी पगों से ही समाज परिवर्तित होगा और प्रकृति पर्यावरण में एक नई सुरभि महकेगी।